हमने प्रीवियस लेक्चर में राइट कोसेंट्स एंड लेफ्ट कोसेंट्स के बारे में देखा था. सो उसमें क्या था कि राइट कॉन्वेंस मॉडुलो ए इज राइट कॉन्वेंट टू बी मॉड एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड ए इज लेफ्ट कॉन्वेंट टू बी मॉड एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी belongs to H. अब हम कुछ results को प्रूव करते हैं. पहला रिजल्ट है हमारे पास HA is equal to H if and only if A belongs to H. And similarly इस केस में क्या आएगा वो AH is equal to H if and only if A belongs to H. ठीक है, इसको प्रूव करते हैं. मैं ये वाला लेफ्ट कोसेट वाला प्रूव करती हूँ. अब मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ AH में. लेट Y बिलोंग्स टू AH, तो किस टाइप का दिखेगा बस Y इज इक्वल टू AH और सम H बिलोंगिंग टू H. ठीक है, अब हमें A को प्रूव करना था ना H में, तो मैं इसमें H इनवर्स बोथ द साइड्स ऑपरेट करूंगी फ्रॉम राइट साइड. Y H inverse is equal to A H, H inverse that is A, which in turn implies A. Now Y A H में belong कर रहा था, which is equal to H, which in turn implies Y belongs to H. And अगर H is belongs to H, where H is a subgroup of G and G forms a group and A belongs to G. तो उस केस में एच भी हमारा ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज जी. देखो एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच विच इन टर्न इम्प्लाइज वाई एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच और वाई एच इनवर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास ए, ए बिलोंग्स टू एच. अब अगर मेरे को इसका कन्वर्स प्रूव करना हो, लेट ए बिलोंग्स टू एच. अब दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि दैट वन सेट इज कंटेन्ड इन द अदर एंड द अदर सेट इज कंटेन्ड इन दैट सेट. सो लेट वाई बिलोंग्स टू ए एच विच इन टर्न इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू ए एच फॉर एच बिलोंगिंग टू एच. अब ए भी एच का एलिमेंट है और एच भी एच का एलिमेंट है एंड हमें पता है एच सब ग्रुप है, तो वो क्लोज्ड होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन. therefore AH also belongs to H. Y belongs to H, which in turn implies AH is a subset of H. ठीक है, अब मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ लेट H belongs to H. अब अगर मेरे को देखना हो AH किस टाइप का दिखेगा, A belongs to H मुझे दिख रहा है, गिवन है एंड एच ऑल्सो बिलोंग्स टू एच. सो ये किस टाइप का बन गया एच बिलोंग्स टू एच बिकॉज ए बिलोंग्स टू एच एंड एच बिलोंग्स टू एच. ऑल्सो ए एच बिलोंग्स टू ए एच, देयरफॉर एच इज अ सबसेट ऑफ ए एच. अब हम दूसरा रिजल्ट करते हैं. एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए B inverse belongs to H. And similarly left cosets के केस में कैसा दिखेगा रिजल्ट, AH is equal to BH if and only if A inverse B belongs to H. इस बार मैं राइट वाला प्रूफ करती हूँ. नाउ मैं यहां से लेके चलती हूँ, लेट HA is equal to HB. ठीक है, और मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ X belonging to HA, तो किस टाइप का होगा, x इज इक्वल टू एच ए टाइप का, वेयर h बिलोंग्स टू h. एंड अब मुझे ये भी पता है कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू एच बी. सो x किस टाइप का होगा, h डैश b वेयर h बिलोंग्स टू h डैश बिलोंग्स टू h. x इज इक्वल टू h एंड x इज इक्वल टू h डैश b का क्या मतलब हुआ, एच ए इज इक्वल टू एच डैश
बी। अब मेरे को लाना है ए बी इनवर्स, तो मेरे को बी इनवर्स ऑपरेट करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच डैश। अब मैं एच इनवर्स ऑपरेट करती हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स एच डैश। नाउ एच डैश एच का एलिमेंट है, एच बी एच का एलिमेंट है एंड एच फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज जी। देयरफॉर एच इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, विच इन टर्न इम्प्लाइज एच इनवर्स एच डैश बिलोंग्स टू एच बिकॉज एच इज क्लोज्ड। यही मेरे को प्रूव करना था कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब अगर मेरे को कन्वर्स करना हो तो हमें क्या दे रखा है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है, विच इन टर्न इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर सम एच बिलोंगिंग टू एच। अब मेरे को दो सेट्स को सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, होते तो वो सेट्स ही है बेसिकली, तो वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए, वो किस टाइप का होगा, एक्स इज इक्वल टू एच वन ए फॉर एच वन बिलोंगिंग टू एच। एंड अब इसमें मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगी यहां से, यहां से हमें क्या पता लग रहा है, अगर मैं बी बोथ द साइड्स ऑपरेट करूं फ्रॉम राइट हैंड साइड दैट ए इज इक्वल टू एच बी, सो एक्स इज इक्वल टू एच वन एच बी। अब मैं एच वन और एच को कोई और एलिमेंट ले सकती हूँ एच का, सपोज एच डैश, एक्स इज इक्वल टू एच डैश बी और एच डैश इक्वल टू एच वन एच बिलोंगिंग टू एच, विच इन टर्न इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच बी। देयरफॉर एच ए इज अ सबसेट ऑफ एच बी। अब मैं क्या करूँगी कि एक एलिमेंट लूंगी एच बी में और उसको प्रूव कर दूंगी वो एच ए में भी लाई करता है। लेट वाई बिलोंग्स टू एच बी, विच इन टर्न इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, मैंने एच वन यूज कर लिया, एच यूज कर लिया, एच डैश यूज कर लिया, एच टू बी फॉर एच टू बिलोंगिंग टू एच। एंड अब मैं इसमें बी की वैल्यू डाल दूंगी, कैसे, यहां से मुझे पता लग रहा है कि बी क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं एच इनवर्स बोथ द साइड्स ऑपरेट कर दूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एच इनवर्स ए इक्वल टू बी, सो वाई इज इक्वल टू एच टू एच इनवर्स ए। अब एच टू भी एच का एलिमेंट है, एच इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, एच टू एच इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा और मैं उसको न्यू नेम दे देती हूँ एच डबल डैश बिलोंगिंग टू एच। देयरफॉर y is equal to h double dash a for h double dash belonging to h, therefore y belongs to capital H of a, which in turn implies h b is a subset of h a। and इस equation से और इस equation से क्या पता लग रहा है कि h a is equal to h b if a b inverse belongs to h। अब हम एक another result prove करते हैं and it is a very important result, that is any two right cosets are either equal or disjoint। similarly left cosets ke case mein hota hai hamare paas that any two distinct left cosets are either equal और डिस्जॉइंट, बट इट मे बी पॉसिबल दैट वन राइट कोसेट इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू अनदर लेफ्ट कोसेट एंड उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी ना आए। इसलिए हम एक ही तरफ की बात करते हैं, आइदर एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आर इक्वल और डिस्जॉइंट, या इसका लेफ्ट कोसेट्स के केस में क्या होगा कि एनी टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर इक्वल और डिस्जॉइंट। कभी भी बोथ नहीं लेते हैं कि राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स, ओके। सो इसका प्रूफ करते हैं। अब ये जो रिजल्ट है हमारा,
ये इक्विवेलेंस रिलेशंस के रिजल्ट से भी प्रूव होता है कि हमें पता है ये जो कोसेट्स होते हैं ये इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं एंड एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट. सो अब हम इसको प्रूव करते हैं. अब हम सपोज कर लेते हैं कि एच ए एंड एच बी एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच एंड जी डिटरमाइंड बाय A and B, where A and B belongs to G. अब अगर ये disjoint हुए तो इनका intersection क्या आएगा? 5. Empty set. Then we are done. So हम assume कर लेते हैं कि they are not disjoint. और हम फिर prove करेंगे ये दोनों equal आएंगे. They are not disjoint का क्या मतलब है? There exist Z belonging to HA intersection HB, which in turn implies Z belongs to HA and Z belongs to HB, which in turn implies Z is equal to HA for some H belonging to H and Z is equal to H1B for some H1 belonging to H. अब हम इनको equate कर देते हैं. HA is equal to H1B, which in turn implies A is equal to H inverse H1B if I operate H inverse on the both sides from the left hand side, and if I B inverse operate karti hu from right hand side, A B inverse is equal to H inverse H1. H ek H ka element tha, inverse bhi H mein aayega, H1 H ka element tha aur H subgroup hai hamare paas G ka. So that is closed. Therefore, H inverse H1 also belongs to H, which in turn implies A B inverse belongs to H is equal to H dash. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, एक एलिमेंट लूंगी एच ए में और उसको शो कर दूंगी दैट इज कंटेन्ड इन एच बी, और एक एलिमेंट लूंगी एच बी में और उसको शो कर दूंगी दैट इज कंटेन्ड इन एच ए. Let Y belongs to H of A, which in turn implies Y is equal to H to A for some H2 belonging to H, and A की value मैं यहां से substitute कर दूंगी. Y is equal to H2. A क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं यहां से देखूं H dash B, which is equal to Y. H2 और H dash भी कोई H का एलिमेंट होएंगे, और उसको मैं सपोज कर देती हूँ एच थ्री बी और सम एच थ्री बिलोंगिंग टू एच, विच इन टर्न इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू कैपिटल एच बी, देयरफॉर एच ए इज कंटेन्ड इन एच बी. सिमिलरली इफ आई टेक एनी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू एच बी, विच इम्प्लाइज X इज इक्वल टू एच फोर बी फॉर सम एच फोर बिलोंगिंग टू एच, एंड B की वैल्यू मैं यहां से अगर सब्सटीट्यूट करूं तो वो आएगा आपके पास A H dash inverse is equal to B. H dash यहां आएगा, ऑपरेट होगा क्योंकि H dash लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा. सो B इज इक्वल टू H4 H inverse A, विच इन टर्न इम्प्लाइज X इज इक्वल टू H5, बिकॉज ये भी कोई H का एलिमेंट होगा, A बिलोंगिंग टू HA. Hence, HB is contained in HA, which in turn implies HB is equal to HA. अगर हम दो सेट्स को ये अस्यूम करके चलते हैं कि वो डिसजॉइंट है जो हमने लिया था, तो वहां पर आ जाता है कि दैट दे आर इक्वल, हेंस द अबव रिजल्ट होल्ड्स. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स डिफरेंटली अगर हम देखें तो वो जरूरी नहीं है इक्वल और डिसजॉइंट हो. हम डायहेड्रल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 देखते हैं और उसका सब ग्रुप कंसिडर करते हैं हम आर नॉट एंड वी, वेयर वी इज अ वर्टिकल फ्लिप, एंड हमें आर 90 बिलोंगिंग टू जी के साथ राइट कोसेट देखती हूँ. आर 90 R0 के साथ करेंगे तो R90 आएगा, अगर R90 हम B के साथ करेंगे
तो सबसे पहले हम वर्टिकल फ्लिप अप्लाई करते हैं 1, 2, 3 को, विच कन्वर्ट्स टू 2, 4, 3 एंड 1, एंड अब मेरे को इसको आर 90 डिग्री रोटेट करना है, 1, 2, 4, 3. हमारे पास ओरिजिनली क्या था, 1, 2, 3, 4, और वो इसमें आ गया. 1 और 4 की पोजिशन चेंज हुई, बट 3 एंड 2 की चेंज होगी, मतलब कि डी. अब हम देखते हैं कि वी ऑफ आर 90 क्या होगा, क्योंकि अगर हम आर नॉट ऑफ आर 90 देखें, आर नॉट आइडेंटिटी होती है तो आर 90 डिग्री ही आएगा. वी ऑफ आर 90 डिग्री देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले आर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4 एंड वर्टिकल ऑपरेशन लगाएंगे हम, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, 4, 1, 2, 3. अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. इस केस में हमारे पास 2 और 3 की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही एंड 1 और 4 की इंटरचेंज हो रही है, मतलब कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से फ्लिप अप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेशन आ जाएगा एंड दिस इज डी डैश. हेंस यू कैन क्लियरली शो दैट आर 90 डिग्री के इज नॉट इक्वल टू के आर 90 डिग्री. सो लेफ्ट कोसेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द राइट कोसेट्स. अगर हम अबेलियन ग्रुप्स कंसिडर करेंगे या वो ग्रुप्स कंसिडर करेंगे जिनके सारे के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, तो उस केस में हमारे पास राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट्स आते हैं. नाउ अब हम ये तो पता है कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, बट क्या जरूरी है कि लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स भी सब ग्रुप हो जी के? नो, क्योंकि अगर हम एक जी कंसिडर करें अपना क्वाटर्नियन ग्रुप 8 एंड उसमें एक एलिमेंट कंसिडर करें हम, और उसमें हम एक सब ग्रुप कंसिडर करें 1 और -1, तो एच ऑफ आई यू क्वाटर्नियन 8 ग्रुप कैसे दिखता है हमारे पास, +-1, +-i, +-j, +-k. तो एच आई क्या आएगा हमारे पास, i एंड -i. एंड हमें पता है ये सब ग्रुप नहीं है Q8 का, क्यों, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी ही नहीं है, तो ये सब ग्रुप कैसे होगा. सो जरूरी नहीं है जो आप कोसेट्स बनकर आ रहे हैं वो सब ग्रुप हो जी के, बट दे कैन बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए इज कंटेन्ड इन एच. अगर ए एच में कंटेन्ड हो रहा है तो उसका मतलब तो यही हो गया कि एच इज इक्वल टू ए.